चलिए जानते हैं देश और दुनिया की काम की और सिलेक्टेड खबरें, अतः वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। शरद पवार को मार दिया जाएगा, नकली आईडी बनाकर एनसीपी चीफ को दी थी धमकी, मुंबई पुलिस ने धरा। महिला पहलवानों का बड़ा आरोप, बृजभूषण को बचाने की कोशिश कर रही सरकार, हरियाणा में हो रही है खास तैयारी। मौसम खराब हुआ तो इंडिगो का विमान रास्ता भटक कर पहुँच गया पाकिस्तान के गुर्जावाला, 31 मिनट बाद वापस लौटा भारत। लालू यादव सामाजिक न्याय के एक निर्भीक योद्धा, राजद सुप्रीमो के जन्मदिन पर तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने दी बधाई। बंद होगा टिकटॉक का टिकी प्रतिबंधी ऐप, 10 करोड़ से अधिक लोग करते हैं इस्तेमाल, कंपनी ने यूजर्स को दिया खास संदेश। विपक्षी दलों को खत्म करना चाहते हैं पीएम मोदी, आपकी महारैली में सरकार पर जमकर बरसे कपिल सिब्बल। मध्य प्रदेश की जनता ने बदलाव का मन बनाया, श्री कुमार बोले इस बार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी कांग्रेस सरकार। दिल्ली में बाइक और टैक्सी पर लगेगी रोक, सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार की याचिकाओं पर 12 जून को सुनवाई। हिंद महासागर में वायुसेना और थल सेना का संयुक्त अभ्यास, चीन की चुनौती के जवाब में आकाश में गरजे राफेल और सुखोई। खतरनाक होता जा रहा अरब सागर का चक्रवात, महाराष्ट्र और गोवा में भी दिखने लगा असर। उर्वरक के मामले में 2-3 वर्षों में आत्मनिर्भर हो जाएगा भारत, पिछले वर्ष 25% तक बढ़ा उत्पादन। भड़काऊ पोस्ट ने महाराष्ट्र को 3 माह में 12 बार जलाया, सोशल मीडिया पर अराजक तत्व नफरती पोस्ट से फैला रहे हिंसा। काशी में विदेश मंत्री ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, कहा कोरोना काल में 70 लाख नागरिकों की साकुशल हुई देश वापसी। उत्तर प्रदेश में 8,600 परिवारों को मकान के लिए मिलेगी पट्टे पर जमीन, कृषि भूमि से वंचितों को भी मिलेगा लाभ। WTC फाइनल में टीम इंडिया की हार से आग बबूला हुए फैंस, विराट कोहली से लेकर रोहित शर्मा तक को सुनाई खरी खोटी। महाबैठक में एकजुट होगा विपक्ष, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी पटना आएंगी, मंच पर मौजूद रहेंगे 5 CM। लव जिहाद को लेकर मचा बवाल, गंगोत्री धाम में व्यापारियों ने बाजार बंद कर किया विरोध, समुदाय विशेष का पलायन जारी। बसपा सुप्रीमो मायावती का बीजेपी से है गठबंधन, वो भाजपा के साथ है, कांग्रेस नेता अजय राय का आरोप।